Good morning students, I hope you all are very fine. Welcome to online class. Today we are going to start first lesson named The Portrait of Lady. The writer of this lesson is Khushwant Singh. In this lesson the writer tells about his grandmother and his love towards his grandmother. Now let's start in detail. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. लेखक कहते हैं कि मेरी दादी जी प्रत्येक की दादी जी के समान एक बूढ़ी स्त्री थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkled means होते हैं creases in body organ, झुर्रियाँ. लेखक कहते हैं कि जब से मैं उसे जानता था वह 20 साल से बूढ़ी और झुर्रियाँ वाली स्त्री थी. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह एक बार जवान और सुंदर थी. And had even had a husband, और उसके एक पति भी था. But that was hard to believe. लेकिन विश्वास करना कठिन था. My grandfather portrait hung above the mantelpiece in drawing room. Mantelpiece means furniture, संगीठी. मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था. हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हीज चेस्ट. उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उसके छाती को ढक रखी थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और वह 100 साल की उम्र का दिखता था. ही डिडेंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वह इस तरह का व्यक्ति नहीं दिखता था जैसे कि उसके पत्नी और बच्चे हो. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वह ऐसे दिखता था मानो उसके बहुत से पोते और पोतियाँ होंगी. As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरे दादी जी के बारे में सुंदर और जवान होने का संबंध था, the thought was almost revolting. यह विचार विरोध करने वाला था, उलट फेर करने वाला. revolting means होता है rebellion, विद्रोह करने वाला था. She often told us of the games she used to play as a child. हमारी दादी जी बहुधा हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिनको वह बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट अपसर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. अपसर्ड मीन्स होता है अनरीजनेबल. अनडिग्निफाइड मीन्स विदाउट ग्लोरी, बिना वैभव का, जो उसकी तरफ से बेतुका और बिना वैभवहीन दिखता था. वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यू टू टेल अस. वे कहानियाँ जिनको वह हमें सुनाया करती थी हम उनको पैगंबर की काल्पनिक कहानी के रूप में लेते थे. प्रोफेट्स मिस होता है पैगंबर, फोर टेलर भविष्यवक्ता. फेबल मिस होते हैं इमेजिनेटिव स्टोरीज, काल्पनिक कहानी. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वह हमेशा से ही छोटे कद वाली, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. क्राइस क्रॉस में होते हैं इंटरसेक्टिंग वेब ऑफ लाइन. रिंकल क्रिसिज इन बॉडी ऑर्गन, झुर्रियाँ. उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था जो प्रत्येक जगह था. नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें विश्वास था. सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. हमें विश्वास था कि जब से हम उसको जानते थे वह बिल्कुल वैसी ही थी.
old, so terrible old that she could not have grown older. बूढ़ी, अत्यधिक बूढ़ी और इतनी बूढ़ी की और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से उसी अवस्था में थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, वह हमेशा से ही सुंदर थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बिड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी मिस गार्लैंड माला, बिड्स मिस मन के गोली. होबल्ड मिस होते हैं वॉक, रिम्पिंगली उबड़ हिलाकर चलना. लेखक कहते हैं कि उसकी दादी जी धब्बे रहित सफ़ेद कपड़ों पहने हुए अपने उबड़ को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे हुए और दूसरे हाथ से माला फेरते हुए घर में इधर से उधर चला करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटरिंग अनटिडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस. पुकर्ड मिस होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़े हुए. पेल मिस होते हैं आ लिटिल येलो, पीले से. स्केटेड मिस बिखरे हुए. अनटिडली मिस होते हैं इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित रूप से. उसके चांदी जैसे बाल उसके पीले और सिकुड़े हुए चेहरे पर अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उसके होंठ सुनाई न पड़ने वाली प्रार्थना से लगातार हिलते रहते थे. यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. लेखक कहते हैं कि वह पर्वतों में शरदकालीन के प्राकृतिक दृश्य के समान दिखती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. सेरेनिटी मीन्स होते हैं काम ने शांति. वह एक शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमा दिखती थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो जिसके सांसों में शांति और संतोष के शांति और संतोष होता था. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. लेखक कहता है कि मेरी दादी जी और मैं अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी. लेखक कहता है कि मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए, मैं मुझे उसके साथ छोड़ कर चले गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार एक साथ रह रहे थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वह मुझे प्रातःकाल में जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. मोनोटोनस मीन्स होते हैं डल, बोरिंग. वह मुझे नहलाते समय और तैयार करते समय अपनी सुबह की प्रार्थना बोरिंग आवाज़ में गाया करती थी, और यह आशा किया करती थी कि मैं उसको सुनूं और उसको याद कर लूं. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं उसको आवाज़ को सुना करता था क्योंकि मैं उसे प्यार किया करता था. बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे कभी भी याद करने का कष्ट नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येल्लो चौक. फेच मिस होती ब्रिंग, लाना. फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट थी जिसको वह पहले ही धो देती थी और उस पर पीली चौक से लेप कर देती थी. आ टीनी अर्थेन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती थी. एंड रेड पेन और लाल पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल
उन सबको एक बंडल में बांधा करती थी एंड हैंड इट टू मी और मुझको सौंप दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। लेखक कहते हैं कि वह एक मोटी बासी रोटी जिस पर मक्खन और चीनी लगी होती थी को नाश्ते के रूप में करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, तब मैं दोनों स्कूल जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कैरिड मींस ले जाना। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए बहुत सी बासी रोटी साथ ले जाया करती थी। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट डे एंड नाउ इट्स टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर दिस। थैंक यू।